हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी असर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, ये मेरे पास मोटोरोला का मोटो G31 स्मार्टफोन। इसे मैं ऑलमोस्ट 12 से 15 दिन से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब अपने ऑनेस्ट रिव्यू जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, क्या कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, क्या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, एंड क्या आपको ये 13,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटो G31 के इंडिया वाले वेरिएंट के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो मेरे पास जो ये वेरिएंट है 464 वाला, ये आपको मिलता है 13,000 रुपीज में, जबकि 628 वाला वेरिएंट अगर आप परचेज करते हो तो आपको मिलता है 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। चलिए मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल क्लियर कट में आपको बताऊंगा, शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या कुछ चीजें अच्छी लगी है, क्या कुछ चीजें बेकार लगी है, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 10 से 12 दिन का यहाँ पर कैसा था। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने सारी चीजें 10 से 12 चीजें लिख के रखा हूं कि भाई कौन कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बेकार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर इसकी कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क रिसेप्शन के बारे में। तो कॉल क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, ईयरपीस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काफी जबरदस्त वर्क करता है, नेटवर्क रिसेप्शन एंड सारी चीजें जो है जबरदस्त देखने को मिलती है। तो जो मेन आप बोल सकते हो स्मार्टफोन का मोटिव है कि भाई कॉल क्वालिटी कैसी है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसा है, तो वो आपको जबरदस्त देखने को मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील, वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड फील वाला स्मार्टफोन मैं कह सकता हूं 5000 एमएच बैटरी के साथ में। क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे 5000 एमएच की बैटरी अगर आप देखते हो तो फोन काफी हैवी हो जाता है, 200 ग्राम के ऊपर चले जाता है। मोटोरोला ने मतलब काफी आप बोल सकते हो, एक तो 6.4 इंच का डिस्प्ले है तो कॉम्पैक्ट भी लगता है, वन हैंड में अच्छी तरीके से यहां पर आ जाता है, नैरो टाइप का स्मार्टफोन है, स्लिम भी है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, एज वेल एज इन हैंड फील अच्छा लगता है, वेट नहीं है, मतलब लाइट लगता है। 5000 एमएच बैटरी होने के बावजूद भी आप बोल सकते हो काफी लाइट वेट लगता है, तो ये चीज मुझे फॉर्म फैक्टर एंड ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है सारी चीजें मुझे काफी बढ़िया लगी है। बैक अगेन ये बजट में आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत टेक्सचर यहां पर दिया गया है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड आप बोल सकते हो इन हैंड फील से मैं टोटली इंप्रेस हूं। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें जो कि सबसे फेवरेट चीज है ये स्मार्टफोन पे मेरी, वो है ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले। यहां पर आपको 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। हां, 60 हर्ट्ज जरूर है लेकिन डेफिनेटली जो 90 हर्ट्ज का आईपीएस डिस्प्ले आता है उसके कंपैरिजन में, मतलब ये प्राइस पॉइंट पे मुझे इसका डिस्प्ले पर्सनली काफी बढ़िया लगा। 700 निट्स तक के यहाँ पर पीक ब्राइटनेस का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, सनलाइट में मतलब काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो जाता है, डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, कलर वगैरह काफी पंची देखने को मिल जाते हैं, एंड स्पेशली पंच होल भी यहाँ पर आपको काफी छोटा सी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले से मैं टोटली इंप्रेस हूँ। आई होप सो क्या अदर ब्रांड भी यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट पे हमें फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराए एज कम्पेयर टू 90 हर्ट्ज आईपीएस डिस्प्ले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वह ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला चिपसेट जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमने बहुत सारे बजट स्मार्टफोन पे ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे वो परफॉर्म करते हैं वैसे ये भी परफॉर्म करते हैं। हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड है तो आपको थोड़े बहुत जो लैग यूआई में देखने को मिलते हैं ना नॉर्मल दूसरे यूआई में, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली आपको कम लैग वगैरह देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हो, ब्राउजिंग करते हो, तो कोई आपको दिक्कत या लैग वगैरह इतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें गेमिंग की, या हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह आप काइन मास्टर पे या और एप्लीकेशन पर अगर करते हो तो वहां पर आपको ये स्मार्टफोन थोड़ा सी स्लो लगेगा एज कम्पेयर टू G95 या 720G वगैरह चिपसेट से। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आप गेमिंग करते हो भाई, मतलब ज्यादातर गेमिंग पे ही रहते हो या एडिटिंग वगैरह करने का शौक है, तो मैं बोलूंगा इससे बेटर चिपसेट वाला स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैं कहूंगा डिसेंट है, बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, 13,000 रुपए से आपका काम चला लेगी अगर आप एवरेज यूजर हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर इसकी कैमरा क्वालिटी। बैक में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 50+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा, सेल्फी मिल जाती है 13 मेगापिक्सल की। मैं आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर सैंपल्स यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, एंड कलर की बात करें तो कलर्स वगैरह सैचुरेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जो क्लोज टू रियलिटी वाले कलर आते हैं वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। डिटेलिंग डेफिनेटली आपको शार्प देखने को मिल रही है, डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है बजट में जैसा आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा मैं बोलूंगा ये स्मार्टफोन का आप बोल सकते हो डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। जैसे कि आपको 12-13,000 रुपए में कैमरे मिलते उसके पार आप बोल सकते हो वैसे ही कुछ यहां पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड हाँ, लो लाइट में अगेन जैसे कि 12-13,000 रुपए के फोन थोड़े बहुत आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, ये फोन में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा ओवरऑल मैं बोलूंगा ठीक है, बहुत आपको निराश भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं करेंगे, डिसेंट आपको आउटपुट यहां पर प्रोवाइड करा देंगे।
So guys, recording this part of video from the rear camera of Moto G31 smartphone. कुछ इस तरीके का आपको जो है sunlight में quality देखने को मिलती है. Focusing speed की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर काफ़ी सही है, देख सकते हो. एंड कलर्स वगैरह देखोगे क्लोज टू रियलिटी है. एंड जो ऑडियो भी कैप्चर हो रही है वह इसके इंटरनल माइक्रोफोन से हो रही है. तो कुछ इस तरीके का आपको रियर कैमरे की फुटेज देखने को मिलती है. So guys, recording this part of video from the front facing camera of Moto G31 smartphone. 13 megapixel से कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिलेगी डे लाइट में. तो देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये स्मार्टफोन का, तो इसकी स्पीकर क्वालिटी एज वेल एज 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट. देखो, सपोर्ट तो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें से अगर आप वायर वाला ईयरफोन लगा के इस्तेमाल करते हो ना, आउटपुट इज जस्ट ब्रिलियंट. क्योंकि यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है. मतलब काफ़ी इनहांस होकर आपको जो साउंड ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वायर वाला ईयरफोन आप इस्तेमाल करना, देन आपको लगेगा हाँ भाई कुछ यहाँ पर सुन लो अच्छा. एंड स्पीकर की भी अगर हम बात करें तो जो लाउड स्पीकर है इस पर भी आपका 24 आवर्स जो डॉल्बी एटमॉस आप बंद नहीं कर पाओगे. तो इसमें से भी जो बेस वगैरह आता है, जो रिचनेस आती है साउंड की, वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी. हाँ, डुअल्स की जो स्पीकर सपोर्ट रहता तो और बढ़िया हो सकता था, बट स्टिल सिंगल स्पीकर है, क्वालिटी अच्छी लगी, लाउडनेस अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है UI एंड अपडेट. UI आप बोल सकते हो ये स्मार्टफोन का, आप बोल सकते हो हाईलाइटिंग फीचर है. क्योंकि जनरली अगर आप ये प्राइस पॉइंट पे देखते हो, मतलब काफ़ी एड ब्लोटवेयर वगैरह के साथ में आता है, अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है, लेकिन ये आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है. एंड एड्स अभी तक के मैंने कोई भी नोटिस नहीं करा, ना ही आपको कोई ब्लोटवेयर अनवांटेड आपका रिकमेंडेशन आता है, ये एड्स ले लो, ये बाय कर लो, वो कर लो, बिल्कुल भी वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है. जैसे कि आपका फ़ोन रहता है, पहले के फ़ोन आते थे ना बिना एड्स के, वैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. एंड UI भी काफ़ी बटरी स्मूथ आप इसे कह सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है. UI से मैं टोटली यहाँ पर इंप्रेस हूँ. एंड अगर हम बात करें भाई अपडेट्स कितने मिलेंगे, तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर चल रहा है. एंड्रॉइड 12 का अपडेट, मोटोरोला का कहना यह है कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक के एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको मिल जाएगा. एंड 13 आएगा नहीं आएगा बस उसके कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पैच अपडेट जो आपको 2 साल का यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मोटोरोला ने प्रॉमिस करा है. तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बजट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ये स्मार्टफोन पर आपको देखने को मिल रहा है. तो UI आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का USP है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग. तो बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको 5000 mAh की देखने को मिल रही है. मोटोरोला ने क्या जादू करा पता नहीं भाई. अगर आप एवरेज भी यूज़र हो ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी चीज़ चलाते हो, आराम से अगर आप 100% चार्ज करके आते हो ना, तो 1.5 दिन से ज़्यादा ही आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा. ना आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हो, मतलब पूरा पूरा दिन स्मार्टफोन चला रहे हो, तभी भी पूरा 1 दिन आपका ये स्मार्टफोन निकाल देगा. तो बैटरी लाइफ से मैं टोटली इंप्रेस हूँ. G85 स्टॉक एंड्रॉइड किसका कमाल है पता नहीं, इन्हें जो ऑप्टिमाइजेशन करे ओवरऑल यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा. एज वेल एज अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो ग्लोबल वाले यूनिट में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है, यहाँ पर आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है. चार्जिंग 0 to 100 कितने टाइम में होती है, तो 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर का टाइम यहाँ पर आपको लग जाता है. तो ओवरऑल बैटरी अगर आप देखोगे एक बार फुल चार्ज कर देते हो, अच्छा खासा 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा. तो बैटरी लाइफ मुझे ये स्मार्टफोन की काफ़ी बढ़िया लगी है. सेंसर्स की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड आपको मैं बता दूं, ये बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है. स्पीड देख सकते हो, टैब अनलॉक तो स्पीड में ये बोलूंगा डिसेंट है. एज वेल एज फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हो फेस अनलॉक की भी स्पीड आप कहोगे डिसेंट है. तो ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से काम करता है. 100 में से आप बोल सकते हो 98-99% तो यहाँ पर ये काम कर ही जाएगा. साथ ही में बाकी की सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है. एक चीज़ मैं यहाँ पर मोटोरोला से कहना ये चाहूँगा कि यस स्पीड अच्छी लग रही है, एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बैक साइड में दे रहे हो उसके बदले में इन डिस्प्ले दे दो तो और बढ़िया रहेगा. एंड इन डिस्प्ले ना भी दे तो साइड माउंटेड डॉग है तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा. ये पीछे वाला आज की डेट में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो आउटडेटेड लगता है. वैसे आपको कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट पसंद है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका रैम मैनेजमेंट, कार्ड स्लॉट एंड स्टोरेज के बारे में. तो सबसे पहले तो कार्ड स्लॉट की बात करें, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा. अब 13,000 रुपये का फोन है यार, मतलब आप बोल सकते हो 64 GB जो बंदा लेगा, तो आप 2 सिम के साथ SD कार्ड नहीं लगा सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो एक सिम एस
एसडी कार्ड या तो दो सिम के साथ एसडी कार्ड भूल जाओ, टेराबाइट तक के यहाँ पर आप एसडी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो, तो स्टोरेज तो आपको काफी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई विश के यहाँ पर मोटोरोला जो इसका अपग्रेड वर्जन लाएगा तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट दोगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। एज वेल एज अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें तो 4GB के हिसाब से मुझे पर्सनली रैम मैनेजमेंट ये स्मार्टफोन का काफी बढ़िया लगा। एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मतलब थोड़े बहुत जो एप्लीकेशन है, 2-3-4 एप्लीकेशन जो आराम से आप बोल सकते हो ओपन रहते हैं, रिलोड नहीं होते, तो वो चीज मुझे यहाँ पर इसकी अच्छी लगी। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको EMCP करके स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि आप बोल सकते हैं EMMC 5.1 जनरली सारे ब्रांड प्रोवाइड करा रहे हैं उससे स्लाइटली बेटर है। तो स्टोरेज से भी यहाँ पर ऐसा कोई स्लो डाउन वगैरह नहीं है। हाँ, कभी कभार आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन या कोई हैवी एप्लीकेशन थोड़ा बहुत आप ओपन वगैरह करते हो, थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा यहाँ पर ये ले लेता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या भाई ये स्मार्टफोन 13,000 रुपये में ले या ना ले, एंड ले तो कौन से लोग ले, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई किस किस को ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। तो देखो ये सिर्फ मैं बोलूंगा भाई जो गेमिंग वगैरह कर रहे, सोच रहे भाई 13,000 रुपये में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई वो लोगों के लिए स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो कि भाई मेरे को एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉयड भी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, मोटोरोला की ब्रांड वैल्यू, एंड आप बोल सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नोटिफिकेशन लाइट, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है, बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, ओवरऑल अगर आप नॉर्मल टाइप के यूजर हो, गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो लो सेटिंग मीडियम सेटिंग पे थोड़ा बहुत अगर आप करते हो, एंड बाकी की सारी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हो, एंड ओवरऑल एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए बिना एड्स, बिना ब्लोटवेयर एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो डेफिनेटली 13,000 रुपए में मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। 13,000 रुपए में अभी परचेस करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, ये तो मैं बोलूंगा थोड़े टाइम का अगर आप वेट भी कर लोगे तो मे भी शायद आगे चल के इस पर आपको सेल में और डिस्काउंट मिल जाए, पॉसिबल है। तो ओवरऑल मैं टोटली यहाँ पर इंप्रेस हूँ, एंड मोटोरोला ने काफी बढ़िया कमबैक करा अपनी जी सीरीज में, जैसे कि 2015-16 के टाइम पे जी सीरीज का क्रेज था ना, वैसा ही लोग ने यहाँ पर अभी कमबैक करे, इतने टाइम बाद ये स्मार्टफोन मुझे मोटोरोला की तरफ से जी सीरीज में पर्टिकुलरली पसंद आया। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप मोटो G31 स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो, ऑलरेडी पहले फ्लैश सेल में ले चुके हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।